हेलो हेलो, वेलकम बैक टू तानियास लाइफ। दिस वीडियो गोना बी लाइक सारे ऑनलाइन शॉपिंग हॉल। सबसे पहले मेरा जो पार्सल था दैट इज़ फ्रॉम विंसे। तो विंसे से मुझे हमेशा ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने विंसे के सूट नहीं करते, बट देयर फेस वॉश इज़ लाइक 10/10 वाला सीन है। दिस इज़ नीम एंड हर्बल फेस वॉश काइंड ऑफ थिंग, और ये बहुत अच्छा है। आई एम यूजिंग इट सिंस लाइक 3 years, 4 years, और ये मुझे बहुत अच्छा मेरे फेस पे जाता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। मैंने न्यूट्रोजिना का यूज़ करके देखा, मैंने बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स का भी यूज़ करके देखा, बट दिस सूट्स मी सो मच। और मेरी वैसे भी एक्ने प्रोन स्किन है, तो इस वजह से। उसके बाद माय नेक्स्ट पार्सल इज़ सोन हलवा। वी आर लिटरली क्रेविंग फॉर अ सोन हलवा, ठीक है। तो बस हम लोगों ने ये पीर खासे वाले हैं, ठीक है, ये मुल्तान से ओरिजिनल सोन हलवा इनका आता है, तो हम लोगों ने वहाँ से मंगवाए थे। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मंगवाए थे बिकॉज आई डू हैव अ सिस्टर्स, उनके लिए भी भिजवाना था उनको भी, और साथ में अपने लिए भी, बिकॉज चाय के साथ ना कुछ खाने को दिल करता है, और रादर देन हम लोग कुछ अनहेल्दी खाएँ, तो हम लोगों ने सोन हलवा मंगवाया। बहुत टेस्टी था। हम लोगों ने 3 मंगवाए, जिसमें हम लोगों ने बादाम वाला था, पिस्ताशियो वाला था, अखरोट वाला था, डिफरेंट थे, और लिटरली दे टेस्ट सो सो वेल। और इसमें डबल अखरोट भी था, विच इज़ वेरी गुड, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इफ़ यू गाइज वॉन्ट, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी कमेंट, अगर आपको मतलब ऑर्डर कराना हो, बट दिस इज़ 10/10 और 100/10, ठीक है। नेक्स्ट पार्सल मेरा सफ़ायर का है। सफ़ायर इज़ लाइक मेरा फेवरेट ब्रांड है, बिकॉज इसके जो कलर्स होते हैं ना, वो बहुत कभी ख़राब नहीं होते। इवन थो के कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मैं काफ़ी सालों से पहनी हूँ, लाइक 2-3 years में भी उनके कपड़े ख़राब नहीं हुए हैं, ठीक है। ये मैं और मेरी सिस्टर बिल्कुल सेम मंगवाया था, एंड ये अभी सफ़ायर पे सेल लगी, तो ये काफ़ी देर बाद पार्सल रिसीव हुआ था, बट आई एम शोइंग यू नाउ। तो ये वाले कपड़े थे, दे आर सो प्रिटी, ये जैकॉर्ड के थे, एंड आई एम इन लव विद दीज कलर्स। और आगे वैसे भी सर्दियाँ आ रही है, तो नेक्स्ट हमारा पार्सल था दैट इज़ फ्रॉम खाडी। खाडी इज़ लाइक सबसे कंफर्टेबल ड्रेसेस खाडी के ही होते हैं, सो मैंने काफ़ी ज़्यादा मंगवाए थे बिकॉज आई हैव टू बाई सो मच थिंग्स। तो सारे मतलब हम लोग ने, बहनों ने मिलके और मामा के साथ ड्रेसेस आए थे, तो अच्छे खासे ड्रेसेस मंगवाए थे खाडी से। और खाडी का ये पर्पल वन इज़ माई मोस्ट फेवरेट, बिकॉज बस ये कलर बहुत अच्छा था, बहुत सूदिंग कलर था। बाकी भी सारे मेरे फेवरेट थे, बिकॉज मैंने सब कुछ खुद अपनी पसंद से मंगवाया था। लुक एट द कलर, कितना वो लेमन कलर है, दिस इज़ सो प्रिटी, and I am in love with this. Next हमारा पार्सल था जलबरी। I told you that I wore much of my clothes that are from जलबरी, तो ये लोन का ड्रेस था, एंड मुझे इस दफ़ा ना ज़्यादा मैंने ब्लू ही कलर के कपड़े मंगवाए थे, बिकॉज मुझे पता नहीं कोई ब्लू से अट्रैक्शन हो रही, और जो कलर आते हैं ब्लू आते हैं, बट दिस इज़ सो प्रिटी। इवन थो के ये आप नॉर्मल कैजुअली भी आप कहीं भी पहन के जा सकते हो, जितनी गर्मी चल रही थी पाकिस्तान में, तो आप ये अगर किसी की इंगेजमेंट है तो वहाँ निकाह है तो वहाँ पे भी, मतलब अगर दूर पार्क है तो आप वहाँ पर पहन के जा सकते हो, बिकॉज इस पर प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, एंड लुक एट द कलर, बहुत अच्छा कलर था। एंड दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेस फ्रॉम जलबरी, और जलबरी की वैसे मुझे थोड़ी कलेक्शन ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट ड्रेस इज़ फ्रॉम आसिम जोफा। आसिम जोफा के अगर हम लोगों ने कभी भी कुछ एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ लेनी होती है, वी ऑर्डर इट फ्रॉम आसिम जोफा। लुक एट द कलर, इसमें ब्लैक कलर मंगवाया था बिकॉज आई एम लैगिंग फॉर इट, कि मेरे पास अब कलेक्शन में ब्लैक कलर बहुत कम आ रहा है, तो मैंने ये किसी शादी या ओकेजन के लिए मंगवाया जहाँ पर मैं ये स्टिच करवाऊँगी। दिस इज़ रेशमी और इसके साथ पैचेज आए हैं, इट इज़ एक्चुअली प्रिटी। एंड आसिम जोफा का ऐसे सिर्फ नाम नहीं है, उसके ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं, एंड इवन तो ये रेशमी शिफोन ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। बाकी तो अगर आप शिफोन का भी ले रहे हैं तो दैट इज़ नॉट कंफर्टेबल और पता नहीं क्या होता है, लेकिन आसिम जोफा इज़ 10/10 रिकमेंडेड, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं इसके, और इसके साथ प्रॉपर वो लेस और सब चीज़ें वो देता है, तो दिस इज़ सो प्रिटी। और मुझे तो ये ड्रेस वैसे ही पसंद है बिकॉज मुझे ब्लैक कलर एक्चुअली बहुत पसंद है, ब्लैक वाइट और ज़रा डल डल कलर आई लव। ऐसे मैं स्टिच करवाऊँगी एग्जैक्ट ऐसे, तो आई एम गोइंग टू शो यू। उसके बाद आया था मेरे
नेफ्यू का पार्सल, तो कोका बी पे भी सेल लगी हुई थी रिसेंटली, तो हम लोगों ने बहुत सारे उधर से कपड़े ऑर्डर किए थे, तो उधर से अच्छे खासे कपड़े उसके आए थे। तो मुझे तो वैसे भी बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इधर बस मैं सब कुछ आपको दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत कपड़े थे, एंड हम लोगों ने ज़्यादा ये प्रेफर किया था कि हम लोग उसके लिए शर्ट शर्ट्स मंगवाएं, क्योंकि पैंट्स तो हर चीज़ से चल जाती हैं, बट ऊपर शर्ट शर्ट बंदा चेंज करता रहे तो। और ये, और इसके अब मैं आपको ये सबसे फेवरेट दिखाती हूँ, दिस इज़ मस्टर्ड, और बच्चों पे मस्टर्ड जैकेट्स और ये चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं, और वो इसमें बहुत प्यारे लगेगा आई एम डैम श्योर। और कोका बी के वैसे कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट ऑब्वियसली अगर कोई बंदा ख़रीदना चाहे तो वो सेल से ईजीली ख़रीद सकता है, और अच्छे खासे कपड़े आ जाते हैं। लाइक अभी तो आपको मैं अलग अलग भी बिल करके दिखा रही हूँ, बट इस टोटल का आई गेस बिल हमारे पास बना था 11,000-12,000, तो वैसे अगर लेते तो उनकी एक एक शर्ट ही 6,000-7,000 की आ जाती है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट सेल से वो थोड़े रीज़नेबल मिल ही जाते हैं। सो दिस इज़ अ कोका बी वाली चीज़ें एंड ऑल दैट। आफ्टर दैट माई नेक्स्ट पार्सल इज़ फ्राम खाडी, एंड खाडी पे जो आपके मैक्सीज़ वगैरह होती है ना, दे आर सो प्रिटी, और आप कोई पिकनिक के लिए आपको कोई मैक्सी चाहिए तो खाडी इज़ 100% रिकमेंडेबल। इवन तो मेरे पास ऑलरेडी भी एक शर्ट है जो कि मैं सर्दियों में पहनती हूँ, एंड दैट इज़ सो कम्फर्टेबल, सो आई हैव टू ऑर्डर अगेन, बट मैंने प्रिंट डिफरेंट मंगवाया था। दिस इज़ फॉर माई सिस्टर, ठीक है, तो मैंने उसको गिफ्ट करने के लिए मंगवाया था, तो ये बहुत कंफर्टेबल होगा, इसको आप बीच पे पहन के जाएँ, और इसका स्टफ बहुत अच्छा होता है, इवन तो कि यू कैन वियर इट इन समर्स टू। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्सल है, दैट इज़ फ्रॉम ज़ेलबरी। ज़ेलबरी आई टोल्ड यू दैट मोस्ट ऑफ माय क्लोज आर फ्रॉम ज़ेलबरी, एंड हमेशा मैं ये चीज़ बताती हूँ, हमेशा शॉपिंग व्लॉग में बताती हूँ, बिकॉज ज़ेलबरी इज़ रीज़नेबल प्लस पता नहीं क्या, लेकिन इनके कलर्स बहुत अच्छे मुझे लगते हैं। सो बहुत सारे ड्रेसेस मंगवाए थे, दिस इज़ पिंक, आई वॉन्ट टू चेंज माई कलर्स, बिकॉज मेरी मामा को हमेशा मुझसे यही मसला रहता है कि तुम हमेशा वो डल डल कलर्स पहनती हो, लड़कियों के ऐसे कलर्स नहीं पहने चाहिए ऑल दैट, बट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, सो दिस ऑर्डर इज़ लाइक वेरी कलरफुल काइंड ऑफ थिंग। तो ये देखें, ये पिंक वाला जो ड्रेस था उसके साथ ये दुपट्टा था, ये दुपट्टा ऑब्वियसली मैं नहीं ले रही बिकॉज आई यूजली वोर स्कार्फ, तो मैं उसके साथ कोई मैचिंग स्कार्फ ले लूँगी, बट ये दुपट्टा नहीं ले रही, बट ये कपड़े मैं ज़रूर पहनूंगी बिकॉज़ ये इसकी सेल्फ प्रिंट है, और मुझे आजकल सेल्फ प्रिंट का वैसे बहुत शौक आया हुआ है, तो यस ऐसा ही बिल्कुल स्टिच करवाऊंगी। आई एम गोना शो ऑल माय आउटफिट जब वो स्टिच होके सारे आ जाएंगे। और ये था, और दिस इज़ अगेन ब्लैक, बट ऑब्वियसली मुझे दुपट्टे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, बट टू पीस जो थे वो बहुत अच्छे थे। तो ये उसका मतलब अगर उसको खोल के देखा जाए तो ये था, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल ऑफ लग रहा था दुपट्टा, लेकिन मामा कह रही थी दिस इज़ प्रिटी बट मैं नहीं लूँगी बिकॉज आई यूजली वोर स्कार्फ्स नाउ, दैट्स वाई मुझे शायद दुपट्टे इस वजह से अच्छे नहीं लग रहे, वो वैसे भी दुपट्टे पे ज़रा बड़े बड़े फूल हैं, तो आई डोंट लाइक बड़े बड़े फूल, तो इस वजह से। सो दिस इज़ इट। आगे हमारे पास आया स्टाइलो। स्टाइलो इज़ लाइक के आप बहुत अच्छे शूज़, हील्स, सारी एक ही जगह से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मुझे रनर्स चाहिए थे बिकॉज मुझे भी यूनिवर्सिटी दोबारा कंटिन्यू हो रही है और मुझे रनर्स चाहिए थे, सो बाकी मेरे पास बहुत ज़्यादा शूज़ थे सोल वाले थे, और पीछे गर्मियाँ थी तो पम्प्स भी बहुत ज़्यादा थे बट रनर्स नहीं थे, सो ये मैंने रनर्स मंगवाए थे। इनका कलर बहुत अच्छा था, ये हमारे करीब हरिपुर में अवेलेबल नहीं थे, सो मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया था। दे आर सो कम्फर्टेबल, आई स्वेयर दिस इज़ सो कम्फर्टेबल, इसका अंदर से पाँव दुख भी नहीं रहा था, बिकॉज मोस्टली रनर्स का ये होता है कि अंदर से बहुत थोड़े हार्ड हो जाते हैं तो वो दुखते हैं, बट जैसे सो कम्फर्टेबल, मैंने इवन थो के इसके बाद भाग के भी ट्राई किया था और बहुत अच्छे थे अंदर से। उसके बाद नेक्स्ट इज़ फ्रॉम क्लिकी। क्लिकी पे भी सेल लगी थी, सो बस इस दफ़ा मैंने सारी सेल्स बहुत ज़्यादा अवेल की कि कहीं भी सेल लगी है तो बस मुझे अपना वॉलेट खाली करना है। मैंने दो ड्रेसेस मंगवाए थे, मैचिंग करनी थी मुझे अपने सिस्टर के साथ, और हमेशा मैं उसके साथ मैचिंग करती हूँ, तो ये ड्रेस बहुत प्यारे थे। इवन तो मेरे पास ब्लू ऑलरेडी बहुत सादा कपड़े थे, लेकिन फिर भी मुझे वो बहुत प्यारे लग रहे थे। ये मेरा सफ़ायर का एक और पार्सल आया था, दिस इज़ सो प्रिटी। अब ये मुझे, मैंने ये सोच लिया था कि ये कपड़े मैंने अगली ईद पे पहने, बट सोच के क्या ही, और ये भी बहुत प्यारा था, ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगवाया था, और इसी खुशी में माई सिस्टर मेड मटन बिरयानी फॉर मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू गाइज एंजॉय, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, एंड बिरयानी वॉज सो गुड। अल्लाह हाफिज़।